दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया गांधी ने G23 के नेताओं पर बिना नाम लिए पलटवार कहा। कहा, अंतरिम अध्यक्ष हूं लेकिन काम फुल टाइम करती हूं। अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया का जवाब, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पर माना जा रहा है पलटवार। सिब्बल ने दिया था बयान, कांग्रेस के पास मौजूदा समय में कोई फुल टाइम अध्यक्ष नहीं। सोनिया ने G23 से जुड़े नाराज नेताओं को चेतावनी दी, मीडिया के द्वारा मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। CWC की बैठक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी चर्चा, कृषि कानून को सोनिया ने काला कानून बताया। कांग्रेस की CWC की 3 घंटे की बैठक में महंगाई, लखीमपुर कांड समेत कई मामलों पर रणनीति बनी। सोनिया ने तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी का उल्लेख भी किया। सोनिया ने मोदी की विदेश नीति पर उठाया सवाल, मीटिंग में चीन से सीमा विवाद पर किया संवाद। सोनिया ने कहा, चीन से सीमा विवाद पर महंगी पड़ रही है मोदी की चुप्पी। पीएम ने दिया था बयान, चीन ने हमारी जमीन पर नहीं किया कोई कब्जा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे सिद्धू, कहा राहुल गांधी से मिलने के बाद सुलझ गए सभी मुद्दे। जो भी मेरे कंसर्न्स थे वो पार्टी हाई कमांड को बताए हैं। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, गौरव भाटिया ने कहा कांग्रेस में नहीं बचा आंतरिक लोकतंत्र। कपिल सिब्बल ने अपने विचार व्यक्त किए तो उनके घर पर हुआ हमला। गौरव भाटिया ने सोनिया पर सेलेक्टिव राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस शासित राज्यों में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न। बीजेपी का आरोप, CWC की बैठक में नहीं हुआ राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की बर्बर हत्या और सिंह बॉर्डर पर दलित की हत्या का उल्लेख। बीजेपी ने किया प्रश्न, क्या कांग्रेस आज तालिबानी सोच के साथ खड़ी है, दलितों की बर्बर हत्याओं का करती है समर्थन। दलित समाज के जो सदस्य हैं उनको जब आपके प्रदेशों में मारा जाता है तो आप उस पर कुछ नहीं कहेंगे। अंडमान दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने 299 करोड़ की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, 12 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अमित शाह ने अंडमान पानी और स्वच्छता के लिए प्रयासों की जमकर तारीफ की। शाह ने अंडमान में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए 49 वेलनेस सेंटर्स का दिया हवाला। अमित शाह ने कांग्रेस पर आजादी के नायकों का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। पटेल के साथ भी कुछ इसी प्रकार का अन्याय हुआ। बाबू के जन्मदिन को 23 जनवरी को पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाए, इस प्रकार की एक घोषणा भी करी है। महाराष्ट्र में ड्रग्स और NCB की कार्रवाई पर गरमाई राजनीति, मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े से किया प्रश्न, NCB के हर रेड में कैसे पहुंच जाते हैं फ्लेचर पटेल। नवाब मलिक का व्यंग्य, क्या पटेल आदतन गवाह है, सारे छापेमारी में पटेल कैसे बन जाते हैं पंच। क्या फ्लेचर पटेल आपकी सारी जब रेड होती है तो ये कैसे वहां पे पहुंच जाते हैं। नवाब मलिक ने NCP के समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाया, कहा ड्रग्स केस में फिल्म स्टार को फंसाने का काम कर रहे हैं समीर। नवाब मलिक ने किया प्रश्न, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में जिसे बताया जा रहा है लेडी डॉन, समीर वानखेड़े बताएं वो महिला है कौन। 4-6 घंटे के समीर वानखेड़े के इनके पारिवारिक क्या रिश्ते हैं, लेडी डॉन लिखकर वानखेड़े इस तरह का उन्होंने क्यों सोशल मीडिया में चीजें डाल रखी है। फ्लेचर पटेल ने मंत्री नवाब मलिक पर किया पलटवार, ड्रग्स केस में नवाब मलिक पर मुद्दे से भटकाने का लगाया आरोप। आपको ऐसे नहीं लगता कुछ ओवर एक्साइटेड हो रखे कुछ, ये 10-15 दिन के बाद, 10-15 दिन के पहले उनके कोई घर के सदस्य बाहर आए हुए उनका पता लगाई। ड्रग्स केस में उद्धव ठाकरे ने NCP के कार्यशैली पर उठाए सवाल, कहा
सेलिब्रिटी को पकड़कर ढोल बजाना बंद करे एनसीबी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने किया पलटवार, उद्धव सरकार को महाराष्ट्र में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया, कहा महाराष्ट्र को हम नहीं बनने देंगे पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री जी कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं होने देते, अगर इसका दुरुपयोग होता तो आपका आधा मंत्रिमंडल जेल में होता। दशहरा रैली में हिंदुत्व के मुद्दे पर संघ और बीजेपी से प्रश्न करने, लखीमपुर कांड का मुद्दा उठाने पर सीएम उद्धव ठाकरे बिफरे, बीजेपी ने किया पलटवार, किरीट सुमैया ने सत्ता के लिए विश्वासघात का लगाया आरोप। माननीय आदरणीय बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व के लिए स्वयं की जान देने तैयार थे और ये मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए विश्वासघात करके हिंदुत्व के पीठ पे छुरा भोंकने वाले नया हरा रंग धारण करने वाले पूर्वज की बात करते तो बाला साहब की ओर देख लेते जरा। बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर 2100 करोड़ के नए घोटाले का लगाया आरोप, कहा सीएम उद्धव ने अपने करीबी को पहले सस्ते दाम में सरकारी जमीन बेची, बाद में महंगे दाम पर खरीद ली। किरीट के अनुसार उद्धव ने अपने करीबी बिल्डर को पहले कोरोना अस्पताल बनाने के लिए 62 करोड़ में जमीन बेची, वही जमीन 2100 करोड़ में खरीद ली। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, मोस्ट वांटेड लश्कर आतंकी उमर मुश्ताक समेत एक आतंकवादी को मार गिराया। मेंढर में फिर आतंकवादियों ने फायरिंग की, मुठभेड़ जारी, कल आतंकवादी मुठभेड़ में हमारे 2 जवान हुए थे शहीद। कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी मिली थी सफलता, एक आतंकवादी को मार गिराया था, ये श्रीनगर के आतंकवादी हमले में था शामिल। बेमिना में आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों का कसा शिकंजा, मुठभेड़ में एक आतंकवादी को यहां भी मार गिराया। पुंछ में 14 अक्टूबर की शाम से जारी आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन, आतंकवादियों के छिपे होने की मिली थी यहां पर जानकारी। सिंह बॉर्डर हत्याकांड में गिरफ्तार निहंग सरबजीत सिंह सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश, 7 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया। निहंग सरबजीत ने ली है लखबीर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी, कहा गुरु ग्रंथ साहिब का किया था इसने अपमान। सिंह बॉर्डर पर हत्या मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, पुलिस ने जांच तेज की। सिंह बॉर्डर पर हत्याकांड पर राकेश टिकैत का बयान, आंदोलन पर नहीं पड़ेगा कोई असर, आंदोलन के बीच हत्या आत्महत्या को निजी मामला बताया, कहा यह कानून व्यवस्था का हिस्सा। आंदोलन पर कोई और नहीं पड़ता, ना आंदोलन का कोई मतलब है, गांव में कोई किसी का कत्ल कर रहा, देश में संविधान है, कानून है, अपना कानून अपना काम करेगा। बीजेपी ने हत्याकांड पर कांग्रेस की खामोशी पर प्रश्न किया, अमित मालवीय ने लिखा लखबीर की हत्या पर राहुल और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी चुपके, मुआवजे का ऐलान भी नहीं किया, कांग्रेस के लिए दलित सिर्फ राजनीति और मरने योग्य हैं। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने पूछा राहुल प्रियंका और केजरीवाल सिंगू बॉर्डर पर दलित की हत्या पर चुप क्यों। हरीश खुराना का ट्वीट, लखीमपुर की घटना पर इतना हो हल्ला क्योंकि यूपी में चुनाव, और सिंह बॉर्डर पर विपक्ष की चुप्पी क्योंकि पंजाब में चुनाव। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया, प्रथा दास की हत्या की, एक तालाब में मिला प्रथा दास का शव। बांग्लादेश में 200 कट्टरपंथियों की भीड़ ने मंदिर पर हमला किया, कई श्रद्धालु घायल, इस्कॉन ने बांग्लादेश सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रेलवे स्टेशन पर बड़ी चूक, डेटोनेटर धमाके में 3 सीआरपीएफ के जवान घायल। डेटोनेटर धमाके में घायल सीआरपीएफ का एक हवलदार जिसकी स्थिति गंभीर, अस्पताल में भर्ती। रायपुर में सीआरपीएफ की 211 बटालियन के जवान स्पेशल ट्रेन से जा रहे थे जम्मू, तभी डेटोनेटर में हुआ ब्लास्ट। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दिल दहला देने वाला हादसा, तेज रफ्तार कार ने लोगों को कुचल दिया। जशपुर हादसे में 1 की मौत, ड्राइवर के नशे में होने का आरोप, 2 गिरफ्तार। जशपुर कांड पर बीजेपी ने बघेल सरकार को घेरा, कहा प्रदेश में नशे के कारोबार का बोलबाला। देश में कोरोना की मध्यम बढ़ती रफ्तार के बीच पिछले 24 घंटों में 15,981 केस, पिछले 24 घंटों में 166 लोगों की कोरोना से मौत। शशिकला ने जयललिता को दी श्रद्धांजलि, जयललिता के स्मारक पर पहुंची शशिकला।
राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया पहुंचे फतेहपुर शेखावटी, कहा राजस्थान में अस्पताल थाने सड़क कहीं भी कानून व्यवस्था नहीं। जनता पर महंगाई की एक और चोट, पेट्रोल डीजल के दामों में और बढ़ोतरी, दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल 35 पैसे, अब एक लीटर पेट्रोल हो गया है 100 रुपये 5 पैसे। डीजल के दामों में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी, शतक लगाने की तरफ बढ़ गया डीजल, दिल्ली में एक लीटर डीजल का दाम है 93 रुपये 22 पैसे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल डीजल के दामों ने बनाया नया रिकॉर्ड, बालाघाट में एक लीटर पेट्रोल मिल रहा है 116 रुपये 44 पैसे लीटर। बालाघाट में डीजल मिल रहा है 105 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर। पिछले 15 दिनों में सीएनजी के दाम भी दो बार बढ़ गए, 5 रुपये महंगी हो गई है सीएनजी, 2 दिन पहले पीएनजी भी 2 रुपये प्रति किलो महंगी हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत पहले फेज का काम पूरा, फर्स्ट फेज में 22 भवन ढहाए गए। अलवर में दर्दनाक हादसा, 3 ट्रक ड्राइवर्स को गाड़ी ने कुचला, तीनों ने मौके पर दम तोड़ दिया। जमशेदपुर में आज फर्नीचर शॉप में आग लगी, लाखों का नुकसान। अलीगढ़ में महिला की मौत के बाद सरकारी अस्पताल में हंगामा, डॉक्टर से मारपीट। गया में इलाज के दौरान निजी अस्पताल में 2 की मौत, जमकर हंगामा, डॉक्टर और कर्मचारियों पर आरोप। मेरठ में घर में घुसकर बदमाशों ने महिला को मार दी गोली, वजह जानने में जुटी है पुलिस। फतेहाबाद में प्लाईवुड कारोबारी ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर जान दे दी, 6 लोगों पर केस दर्ज। मथुरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक शख्स यमुना में डूबा, मौत हुई, 3 श्रद्धालुओं को बचाया गया। सीकर में 4 मंजिला इमारत के एक फ्लैट में भीषण आग, एसी के शॉर्ट सर्किट में लगी आग। जोधपुर में 3 दिन से मॉर्चरी में पड़ा है हिस्ट्री शीटर का शव, विपक्ष ने फर्जी एनकाउंटर का लगाया आरोप।